अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी बस से हम सभी अच्छे हैं। ये शाम के 5:30 हो रहे, इतनी जोर से एक बैग बारिश आई है। मुझे जाना था सब्जी मंडी की सब्जी लाने के लिए। वैसे भी मैं नहीं जाने वाली थी क्योंकि मेरा आँख खुल के इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा खुल के। वही सोच रही थी क्या बहाना लगाऊं कि नहीं जाने का। अपने आप बहाना लग गया कि बारिश हो रही है, आँख खुल के बहुत बड़ा हो गया, क्या करूं। एक आँख में हुआ और एक आँख में नहीं हुआ। बच्चे तो ट्यूशन गए हुए, अभी आधा घंटा आने में। बोले सोचा था पिज्ज़ा बना दूंगी। सब्जी है नहीं, शिमला मिर्च सब नहीं है, सिर्फ प्याज, इसीलिए नहीं बनाई पिज्ज़ा। अच्छा है पानी, बारिश हो गई, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और खाने में आज हमने बनाया था भिंडी आलू की सब्जी, सूखी सब्जी। ये तो उसके पापा चिकन लेके आए थे, उसकी ग्रेवी डाल दिया था और दही था और रोटी थी। चावल खा खा के बोर हो जाता है, इसलिए आज मैंने खाने में रोटी ही बनाया था। उस टाइम से लगातार बारिश हो जा रहा है, छूट नहीं रहा। भाई दोनों आगे इतना पानी है नीचे, इतना ठेवना थोड़ा सा नीचे। अभी मैं आई आज मेरा मत बनाना। नहीं मैं तेरा नहीं बना, मैं अपने लिए बना रही। इधर रख दिया दूध गर्म करने बच्चों को देने के लिए। एक मेरा ब्रेड पिज्ज़ा सिर्फ चीज़ वाला, वो पानी निकल रहा एकदम लो फ्लेम पे है ना, इसलिए। इधर चाय की भी तैयारी हो गई, थोड़ा सा ही गर्म करना है बस बच्चों को देना। बारिश नहीं छूटेगी, गर्मी उतनी ही है, एक थोड़ी सी भी कम नहीं है गर्मी। पसीना टप 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 निकले जा रहा है, मगर बारिश हो रही है। हाँ लाइट भी भाग गया, वही मैं सोच रही थी कि लाइट ना भाग जाए, लाइट भाग ही गया उसी टाइम। बन गया, हो गया तैयार, बस चाय भी बनने वाला है उसको। या लेकिन मेरे बच्चों को ये नहीं खाना, पता नहीं दुनिया की कौन सी चीज़ खानी है ये नहीं खाना। बाकी गर्मी बहुत है, तो पर्दा वर्दा सब हटा दिया, बारिश खत्म ही नहीं, लाइट तो आने का नाम नहीं। कहीं नहीं जाने दूंगी, इतना गंदा पानी है नीचे जिसका कोई हिसाब नहीं, बहुत गंदा पानी, मत जा। खा के देखने कितना टेस्टी है। चाय पीने के बाद से पानी तो छूट गई थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि लाइट अब आएगी, लेकिन लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने अंधेरे में फ़ोन का लाइट जला के इधर पुलाव चढ़ा दिया था सिंपल सा, क्योंकि पापा को चिकन लेकर आई थी। बहुत देर तक हम नीचे बातें करते करते मैं 8:30 आई नीचे से, ऊपर की भी लाइट नहीं आया हुआ था। फिर मैंने पुलाव चढ़ाया, फिर इधर चिकन धो रही हूँ। चिकन धोने के बाद फिर से करना है मैरिनेट करके बनाऊँगी चिकन कड़ी। उसके लिए तो फिर अदरक लहसुन भी पीसना पड़ेगा। जैसे ही अदरक लहसुन छील के रखा मैंने, वैसे ही मुझे याद आया रेहान ने बोला कि अभी लाइट तो है नहीं। फिर मुझे याद आया कि पीसूँगी कैसे। फिर जाके मैंने उसे ग्लास में पूछा, अदरक लहसुन थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा खुश था उसके, जैसे हुआ वैसे ही बना लिया। बहुत मेहनत मशक्कत करना पड़ता, अंधेरे में खाना बनाने में होता ही नहीं है, लाइट रहे तब ना हो। बच्चे तो गर्मी से इतना परेशान थे, मैं तो गर्मी में नहा लिया था एक बार, और मैंने देना लाइट नहीं था, फिर भी टैंकी के पानी से इतना गर्म गर्म पानी था ना, बता नहीं सकती। पहले तो बदन पे डालो तो फिर ठंडा लगता है, लेकिन गर्म गर्म लगता है पानी। बस ये सब होने के बाद खाना बन गया जैसे तैसे करके। मुझे लाइट भागी थी, पूरे 10:02 पे लाइट आया, अभी जस्ट खाना बन गया। अब चाहे दोनों को देना, कितनी मुश्किल से मैंने खाना बनाया, लाइट जला जला के चिकन करी बनाया और पुलाव बनाया सिंपल सा राइस। रेडी हो गई चिकन करी, दोनों को खाना थोड़ा सा ही दिया, वैसे भी खा के खा लें तो बहुत मारूंगी मैं। जब उतनी मेहनत मशक्कत से मैंने खाना बनाया तो खाएगी क्यों नहीं, चला के खा ले। थोड़ा सा ही दिया तुझे, कौन सा? तुझे ज़्यादा भूख लगी थी ना, आ जा बेटी आ जा खा ले, थोड़ा सा ही खा ले। नहीं क्या ख़त्म हो जाएगा, खा खा ले।